अगर आप ऋषिकेश जाते हैं तो आपको सबको राम झूला और लक्ष्मण झूला की जानकारी जरूर होगी, चोटी वाले मिठाई की दुकान के अलावा। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। ऋषिकेश योग नगरी के रूप में जाना जाता है। वैसे तो देवभूमि में कणकण में देव बसते हैं, लेकिन साथ ही गणेश वैद्य और विनय शर्मा की यह रिपोर्ट आपको बहुत कुछ बताती है। नमस्कार, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में मैं गणेश वैद्य अपने सहयोगी विनय शर्मा के साथ आज हम आए हुए हैं योग नगरी ऋषिकेश में। योग नगरी ऋषिकेश को अभी हाल ही में दो बड़ी सौगातें मिली हैं, एक आस्था पथ और दूसरा जानकी झूला पुल। ये वो जानकी झूला पुल जो कभी नरेंद्र नगर विधानसभा को यमकेश्वर ब्लॉक से जोड़ने में सहायता करता है। पहले से ही ऋषिकेश में दो झूला पुल बने हुए हैं, एक राम झूला पुल, दूसरा लक्ष्मण झूला पुल। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आस्था थी, एक विश्वास था कि कभी यहाँ पे एक तीसरा पुल बनेगा तो उसको जानकी नाम रखा जाएगा, जिससे अयोध्या का संस्मरण ध्यान में आता है और अयोध्या के पात्र पूरे करता हुआ ये जानकी झूला पुल उसी यादों को लेके संजोए हुए यहाँ पे बना हुआ है। नरेंद्र नगर विधानसभा को सीधे सीधे यमकेश्वर ब्लॉक से जोड़ने वाला ये झूला पुल, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं जानकी झूला पुल की तस्वीरें। और जानकी झूला पुल के साथ साथ ही जहाँ हम खड़े हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि मेरे दाहिने ओर गंगा के उस पार योग महोत्सव चल रहा है, जिसका कि आज सातवां दिन है। सात दिन से चलने वाले इस योग महोत्सव में कई बड़ी जानी मानी हस्तियाँ शिरकत कर रही हैं, जिनमें उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, इसके साथ साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और योग गुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, इनके साथ साथ बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती शिल्पा शेट्टी भी मौजूद हैं। और अभी कुछ देर बाद हम आपको योग महोत्सव की वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जहाँ चलकर हम ये दिखाएंगे कि वो किस तरह योग कर रहे हैं और किस तरह योग को लेकर दुनिया भर में संदेश पहुंचा रहे हैं। ना सिया के ना तो राम कोई मायने रखते हैं और ना लखन। शायद ऋषिकेश ने पहली बार इस कमी को महसूस करते हुए जानकी पुल का निर्माण किया है। जाहिर सी बात है, अगर आस्था पथ को हम कंप्लीट मानने की बात करेंगे तो बिना जानकी के, यानी बिना सिया के राम होने का कोई मतलब नहीं था, तो बिना जानकी पुल के राम पुल और लक्ष्मण पुल का कोई मतलब नहीं था। यह अपने आप में एक अनोखा और मनोरम दृश्य है। सभी को पता है कि ऋषिकेश एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर योग नगरी, ऋषिकेश एक शहर है जिसमें राम झूला से लेकर लक्ष्मण झूला तक टोटल 7 किलोमीटर आस्था पथ, जो पूर्व से निर्मित था, जिसमें जगह जगह आस्था पथ छूटा हुआ था और घाट भी जगह जगह छूटे हुए थे, माननीय कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी के निर्देशानुसार एक योजना बनाकर कुंभ मेले में प्रस्तुत की गई, जिसकी लागत 1280 लाख थी, जो टाइम से स्वीकृत हो गई। स्वीकृति के पश्चात काम नवंबर 2019 में शुरू करा दिया गया और 30 नवंबर 2020 में ये खत्म हो गया। इसमें ये आस्था पथ को जहां जहां मिसिंग था, जैसे गंगा रिसोर्ट के सामने 140 मीटर, स्वामीनारायण के सामने 160 मीटर, टोटल 300 मीटर जो मिसिंग आस्था पथ था उसको पूर्ण कर दिया गया। साथ ही साथ घाटों का रिनोवेशन कर दिया गया, कुछ घाट नए बनाए गए, जैसे भद घाट को नया बनाया गया। आज इस भद घाट पर माननीय कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी द्वारा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, जिसमें माननीय नरेंद्र गिरी जो ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो मौजूद थे, साथ ही साथ आचार्य श्री बालकृष्ण स्वामी जी भी उपस्थित थे। Thank you.
पहाड़ों पर वैसे सैलानी हमेशा जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने फुर्सत के पलों को बिताने के लिए, लेकिन ऋषिकेश अपने आप में बिल्कुल अनोखा इसलिए लगता है कि यहाँ राम झूले और लक्ष्मण झूले से होकर गुजरना लोगों के लिए एक अनोखा है। और तपन पावनी गंगा के अंदर स्नान करने का, राफ्टिंग करने का अलग ही माहौल बनता है। लेकिन जिस तरीके से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यह चित्रकारी की गई है आस्था पथ पर, यह लोगों को बिल्कुल अनूठी पहल जैसी दिख रही है और लोग बिल्कुल नए तरीके से इसका आनंद ले रहे हैं। यह आस्था पथ जाहिर सी बात है सिया राम के मिलन का एक अनूठा उदाहरण होगा और जानकी का पहली बार राम और लखन के बीच में होना शायद ऋषिकेश के पर्यटन के अधूरेपन को भी पूरा करेगा। यह अपने आप में एक अनूठी पेशकश है। बजट जरूर अरबों खरबों का रहा होगा इसको बनने में, लेकिन यहाँ कम से कम यह दिख रहा है कि हाँ कुछ तो हुआ है। योग महोत्सव और आस्था पथ का यह मनोरम मेलजोल अपने आप में उत्तराखंड के विकास की एक अलग छवि पेश कर रहा है। आप खुद ही देखिए और आनंद लीजिए हमारे साथी की इन रिपोर्ट का। आपको ऋषिकेश जरूर जाना चाहिए।